अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं भोपाल शहर की जानी मानी हस्ती जनाब शहीद अहमद सिद्दीकी के निवास पर। जो ये चीज़ तो आप लोग भी जानते हैं, बहुत रहम और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले आपको एक न्यूज़ दिखाई थी जनाब मरहूम मोहम्मद सलीम साहब के बारे में, तो उसी में से एक शख्सियत हमारे शहीद भाई भी हैं जो उनके कई वर्षों से बहुत पुराने दोस्तों में से एक दोस्त रहे। तो आइए जनाब मोहम्मद सलीम साहब के बारे में उनसे कुछ जानकारी लेते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो भाई ये बताइए, हमारे जो जनाब मरहूम सलीम साहब थे, उनका आपका सफ़र कैसा रहा और दोस्ती को आपका कितना टाइम हो गया? मेरी और सलीम भाई की दोस्ती 1975-76 में जब मॉडल स्कूल में पढ़ते थे तो वो मेरे सीनियर थे और बहुत गुर्बत में उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। अब अल्लाह अल्लाह करके ज़रा उनके हालात अच्छे हुए थे, तो एक हफ़्ते में उनकी बीवी का इंतकाल हो गया और एक हफ़्ते बाद उनका इंतकाल हो गया। मुझे उस बात का बहुत अफसोस है, उन्होंने कांग्रेस के लिए और कमलनाथ जी के लिए बहुत कुछ किया। बहरहाल मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि कमलनाथ जी उनके अंतिम संस्कार के अंदर नहीं आए, जिसकी सबको उम्मीद थी कि कमलनाथ जी ज़रूर पहुँचेंगे, वो नहीं पहुँचे। इस बात का अफसोस मुझको भी है और मैं मगफिरत अल्लाह ताला से सलीम भाई की मगफिरत की दुआ करता हूँ। तो भाई ये बताइए, जब सलीम भाई का इंतकाल हुआ था, उसकी खबर जब आपके पास आई थी तो आपको कैसा लगा, क्या महसूस हुआ, आपने क्या फ़ील किया उस चीज़ को? इतना अच्छा आपका दोस्त इस दुनिया को छोड़ के चले गए, उसमें आपको क्या एहसास हुआ उस चीज़ का? मेरे दिल को एक खबर सुनने के बाद बहुत धक्का लगा और मैंने ये सोचा इन्होंने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस में लगा दी। और उसके बाद जब कुछ बनने का टाइम आया तो सलीम भाई को अल्लाह ताला ने अपने घर बुला लिया। अगर सलीम भाई ज़िंदा होते तो शायद इस बार उत्तर भोपाल से चुनाव लड़ते। तो देखिए, ये थे हमारे शहीद भाई, भोपाल की बहुत शख्सियतों में से एक शख्सियत जो गरीबों की दिन ना रात सेवाओं में लगे रहते हैं और हर गरीब की मदद करना इनका खुद का मानना, इनका खुद का कहना है कि एक दिल को सुकून मिलता है। शहीद भाई थे जो सलीम भाई के बहुत अच्छे दोस्तों में से